हेलो एवरीवन, स्टडी बिट में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फ्रेंड्स क्लास टेंथ के मैथ में त्रिकोणमिति परिचय के चैप्टर नंबर 8.4 का प्रश्न संख्या 1 करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स प्रश्नावली 8.3 तक कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप क्लास टेंथ के छात्र हैं और अगर आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स यदि आप क्लास टेंथ के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है www.studybit.in। इस पर जाके आप बिल्कुल फ्री प्रायोरिटी सेट सभी विषय का कर सकते हैं ना। और इस वेबसाइट का लिंक फ्रेंड नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। दिया गया कैसे है क्वेश्चन में कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स लिखते हैं हल। क्या करना है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इससे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स क्या है कि त्रिकोणमिति सर्व समीकाएँ हैं। इसमें फ्रेंड्स ये आपको याद करना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 1, 2 और 3 इसमें फ्रेंड्स 9 फॉर्मूला बनेगा। कितना 9 फॉर्मूला बनेगा, देखिए कैसे बनता है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यानी अंडर रूट, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमको यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए इसमें कितना बन गया 1, 2 और 3 फार्मूला बन गया, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना रहे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, है ना। और यदि कॉट स्क्वायर ए बराबर यदि निकालना रहे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसमें आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और कॉट ए यदि निकालना रहे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स क्या है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये सभी फार्मूला है ना फ्रेंड यूज पड़ेगा आपको, है ना। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो यदि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1
अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखिए, यदि साइन थीटा बराबर यदि निकालना रहे तो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ भी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका वन होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है फ्रेंड्स, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा। ये फ्रेंड्स त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है ना, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, इसको है ना क्या कहते याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में है आपका क्या है। क्वेश्चन में है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में निकालना है। तो हम देख चुके हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे है ना क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है आपका, वन होता है, है ना। तो यहाँ पे तो यदि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉसेक ए निकालना रहे, कॉसेक ए निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है आपका, वन होता है। क्या होता है, वन होता है ना। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे है देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कॉसेक ए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कॉसेक ए का मान कितना निकाले हैं, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए निकाले हैं। क्या निकाले हैं, वन प्लस अंडर रूट कॉसेक ए का मान वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का निकाले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो गया, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कॉट ए के टर्म में लाना है, ये आपका हो गया, है ना। अब सेकंड में क्या है, क्या निकालना है आपका, सेक ए को निकालना है, सेक ए को। तो देखिए क्या निकालना है, सेक ए, तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे तो सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देखिए फ्रेंड सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमको साइन और कॉस के टर्म नहीं लाना है, हमको लाना क्या, कॉट के टर्म में लाना है। तो यहाँ पे टेन ए इंटू कॉट ए बराबर वन होता है, हम सीखे थे ना, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर वन होता है। तो यदि
यहाँ पे टेन ए इंटू कॉट ए बराबर वन आता है, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वन प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि अंदर रूट क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को यदि हम बाहर निकाल ले फ्रेंड्स तो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए को यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। इसी के टर्म में हमको निकालना था ना, सेक को क्या निकालना था, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए के टर्म में निकालना था। अब क्या निकालना है फ्रेंड्स, देखिए अब निकालना है आपको फिर टेन ए को फिर कॉट ए के पदों में निकालना है, तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, वन होता है ना, क्या होता है, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, वन होता है आपका। तो यहाँ पे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट ए हो जाएगा, वन अपॉन कॉट ए। देखिए भैया सेक ए का भी कॉट के टर्म में आ गया और टेन ए का भी क्या आ गया, कॉट के टर्म में आ गया, है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।